किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही दोस्तों कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। अरे उनके ही सितारे चमकते हैं, उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन वेला में, जहां घड़ी ने 6:15 बजा दिए हैं और आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब होने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं जिसने मौत को ही मात दे दी। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिसने मौत को ही मात दे दी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेजर डीपी सिंह की। मेजर डीपी सिंह के बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि आखिर इन्होंने मौत को मात दे दी, आखिर इनके जीवन की वो कौन सी कहानी है जो हमारे अंदर उत्साह पैदा कर देगी। दोस्तों, बात है 15 जुलाई सन 1999 भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध। हिमालय के युद्ध क्षेत्र में मेजर देवेंद्र पाल सिंह दुश्मनों से लड़ते हुए बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। एक तोप का गोला उनके नजदीक आ फटा। उन्हें नजदीकी फौजी चिकित्सालय में लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन 25 साल का वो नौजवान सैनिक मरने को तैयार नहीं था। जब उन्हें नजदीकी मुर्दा घर में लाया गया तो एक अन्य चिकित्सक ने देखा कि अभी तक उसकी सांसें चल रही हैं। मोर्टार बम के इतने नजदीक से फटने के बाद किसी भी सामान्य व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है, लेकिन देवेंद्र पाल सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मौत से लड़ने को भी तैयार थे। लहूलुहान देवेंद्र पाल सिंह की अतड़ियां खुली हुई थी। डॉक्टरों के पास कुछ अतड़ियां काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें बचाने के लिए उनका एक पैर भी काटना पड़ा, लेकिन किसी भी कीमत पर मेजर मरने को तैयार नहीं था। मेजर ने इस हादसे में न केवल अपना एक पैर खोया, बल्कि वे कई तरीके की शारीरिक चोटों और समस्याओं से घिर चुके थे। उनकी सुनने की क्षमता कम हो चुकी थी। उनके पेट का कई बार ऑपरेशन हुआ। आज इतने वर्षों बाद भी बम के 40 टुकड़े उनके शरीर के अलग अलग भागों पर मौजूद हैं, जिन्हें निकाला नहीं जा सका है। देवेंद्र कहते हैं कि वास्तविकता को समझना और उस पर पार पाना बहुत लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन मैं और मेरे साथी जो घायल हुए थे, हमारे लिए ये गौरव की बात है, क्योंकि हम हमारे देश की रक्षा करते वक्त घायल हुए थे। मेजर की इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अब एक नया जीवन जीना सीखना था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपनी अपंगता के बारे में और नहीं सोचेंगे। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे एक वर्ष तक चिकित्सालय में रहे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि वे अब कभी चल भी पाएंगे, लेकिन देवेंद्र को अपंगता की जिंदगी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल चलेंगे नहीं बल्कि दौड़ेंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना भी शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें कृत्रिम पैर लगा दिया गया, लेकिन कृत्रिम पैरों के साथ चलना इतना आसान नहीं था। देवेंद्र को हर दिन भयानक दर्द सहना पड़ता था। जब वे गिरे तो एक नए उत्साह के साथ उठ खड़े हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देवेंद्र हर रोज सुबह 3 उठ जाते थे और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद देवेंद्र पाल 5 तक चलने लग गए। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और वे अपने कृत्रिम पैर पर मैराथन में दौड़ने लगे। फिर उन्हें साउथ अफ्रीका के फाइबर ब्लेड से बने अच्छे कृत्रिम पैरों के बारे में जानकारी मिली, जो अधिक लचीले और दौड़ने के लिए बेहतर थे। इस तरह धीरे धीरे उनकी दौड़ने की गति बढ़ती गई और उन्होंने अपनी विकलांगता को हरा दिया। 17 बाद आज देवेंद्र भारत के एक सफल ब्लेड रनर हैं और उनके नाम पर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। देवेंद्र कई मैराथन दौड़ों में हिस्सा ले चुके हैं और आज भी वे थकते नहीं हैं। 42 वर्षीय देवेंद्र ब्लेड रनर होने के साथ साथ एक सफल प्रेरक वक्ता भी हैं और वे अपने जैसे लोगों को प्रेरित करने के लिए द चैलेंजिंग वंस नाम का एक ग्रुप भी चलाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि देवेंद्र जी की जिंदगी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंसान कभी शरीर से विकलांग नहीं होता, शरीर से अपाहिज नहीं होता। इंसान अगर अपाहिज होता है तो अपने दिमाग से होता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग देवेंद्र जी से
काफी कुछ सीखेंगे और जिंदगी में जरूर कुछ बेहतर करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। क्योंकि दोस्तों किसी ने बड़ी सही बात कही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मान लो तो हार है ठान लो तो जीत। तो आशा करता हूं आप सभी ने आज कुछ जबरदस्त शानदार करने के लिए ठान लिया होगा और जरूर आप उसमें सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो बस सदैव खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए। अगर आपके पास भी ऐसे कोई स्टोरी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, वहां पे आप अपनी जो भी स्टोरी है वो आप मुझे भेजें, मैं उसे लेकर आऊंगा हिंदुस्तान के सामने। हमारी टीम उसे सेलेक्ट करेगी और जो भी स्टोरी सेलेक्ट होगी वो आएगी पूरे हिंदुस्तान के सामने। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सदा मस्त रहें, खुशहाल रहें, निरोग रहें, आप और आपका परिवार सदैव ऐसे खिलखिलाता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।